हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। टॉपिक हमारा चल रहा था वेक्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया था। आज की क्लास में हमें पढ़ना था स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? देखिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक छोटी सी जो डिसिमिलैरिटी मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? वैसे तो दोनों बिल्कुल ही डिसिमिलर हैं, बट सिमिलैरिटी ये है इन दोनों के बीच में कि दोनों ही वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई होने से आते हैं। बट डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होने के बाद आपको स्केलर देगा, रिजल्टेंट में स्केलर देगा। यहां पे मल्टीप्लाई होने के बाद आपको रिजल्टेंट में वेक्टर मिलेगा। अब अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है इन मैनर लाइक दिस, ए क्रॉस बी, तो आपको मिलेगा क्या? एक अनदर वेक्टर मिलेगा सी। क्या मिलेगा? एक दूसरा वेक्टर मिलेगा सी। एंड नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी? सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल थीटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको भी हम अब दो तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, वो दो तरीके से आते हैं। या तो आप इस टाइप से कह लो कि अगर एक पैरेलल ग्राम है, एक पैरेलल ग्राम मान लो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। सो अगर ये पैरेलल ग्राम मैं कंप्लीट कर दूं इस टाइप से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट, हाँ दिस इज द रिजल्टेंट, या फिर ये कह लो डायगनल ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना रिजल्टेंट को। हाँ, जो भी डायगनल है रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। बट अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, मान लो ये है परपेंडिकुलर इन केस ऑफ पैरेलल ग्राम, मान लो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा रहा हूं, तो ए क्रॉस बी बेसिकली क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ये होता है ना। मान लो वेक्टर ये नेमिंग करके ओ पी क्यू आर फ्रॉम ट्रायंगल, हाँ डायगोनल में अगर ये वाला डायगोनल मान लो, एक ही बात है ना, डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, डायगोनल मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओ पी आर एंड इसको मान लेते हैं एस, ओ एस आर जो ट्रायंगल है हमारा, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एस आर। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस ये हाइपोटन्यूज, तो इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज क्या होना चाहिए? साइन थीटा। एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट? हाइपोटन्यूज इनटू साइन थीटा। नाउ परपेंडिकुलर है कौन हमारा? आर एस, आर एस इज द परपेंडिकुलर, हाइपोटन्यूज कौन है? बी साइन थीटा। तो अगर मैं बी साइन थीटा की जगह पे ये वेक्टर, ये जो आर एस है मैग्नीट्यूड है बी साइन थीटा का, So, अगर मैं b sin थीटा की जगह पे आर एस पुट करवाऊं, a की जगह पे वेक्टर a ओ पी पुट करवाऊं, तो ये क्या है? ओ पी इज व्हाट? बेस। पी आर एस इज व्हाट? हाइट। सो कैन आई से बेस इनटू हाइट इज एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम? एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम। सो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना दे दे ऐसे मैनर में कि आपको दे दे कि एक साइड है आपकी ए, किसी एक पैरेलल ग्राम की एक साइड आपको ऐसे गिवन है 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, दूसरी जो साइड है आपकी गिवन है i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम। इस पैरेलल ग्राम का अब आप एरिया निकालोगे, तो आपका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगा। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तभी तो एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम आया। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पैरेलल ग्राम मेथड से ही क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से ही सोल्व करने हैं। एंड जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिनके अंदर हम बेसिकली बहुत डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देते हैं कि ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, डायरेक्टली पूछ लेगा ए क्रॉस बी क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको सोल्व करके अभी दिखाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। बिफोर दैट
एक बार क्रॉस प्रोडक्ट की हम एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू अ थर्ड वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम ओके साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम सो स्टूडेंट्स बेसिकली जो ए क्रॉस बी है वो आपको मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा ये लाके देगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर सो मैं इसके पीछे लिख रहा हूं सी कैप ए क्रॉस बी ने क्या दिया सी दिया सी का मैग्नीट्यूड क्या है ए क्रॉस ए बी साइन थीटा एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी जो डायरेक्शन सी कैप की होगी देखो आप किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो दिमाग में होगी उसी डायरेक्शन के अलोंग आप एक यूनिट वेक्टर मानो उससे मल्टीप्लाई करवा दो ये क्या होगा वेक्टर अब इस वेक्टर की डायरेक्शन हम बताएं कैसे किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको डायरेक्शन बतानी आ जाए कैसे बताओगे देखो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड डायरेक्शन दो रूल्स इसके लिए भी हैं हम एक रूल हो आपको अगर एक रूल कोई भी दिमाग में सेटल हो जाए तो वो रूल देखें अदरवाइज दो ऑप्शंस हैं हमारे पास इसको भी समझने के एक राइट हैंडेड स्क्रू रूल और एक राइट हैंड रूल दोनों ही सेम है देखो राइट हैंडेड स्क्रू रूल समझाने के लिए हमें एक प्लेन की आवश्यकता है पहली चीज प्लेन दिस इज द प्लेन मान लिया एक प्लेन है जिसके अंदर दो वेक्टर हैं एक वेक्टर ये रहा ए एक वेक्टर ये रहा बी इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो ये है ना ए बी के बीच का साथ ही साथ मैं आपको इसी एंड पे एक स्क्रू यहां पे एक स्क्रू बना के दे रहे हैं देखो ये जो स्क्रू है स्क्रू का बेसिकली इस टाइप से है ना समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत ये देखो जो स्क्रू है स्क्रू को ये मैंने माना ए वेक्टर है ये मैंने माना बी वेक्टर है ऐसा अब आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस ए निकालना है तो बेसिकली स्क्रू को आपको रोटेट करवाना है ए अगर ए क्रॉस बी निकालना है फॉर ए क्रॉस बी यहीं पे अगर दिखाएं फॉर ए क्रॉस बी अगर हम ए से बी तक रोटेट करेंगे ए से बी तक आप रोटेट करोगे तो यही स्क्रू ऐसा स्क्रू है ए से बी तक रोटेट करोगे तो डायरेक्शन ऑफ सस्पेंशन ऑफ दिस पिन पॉइंटेड एंड इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये पॉइंटेड एंड जिस डायरेक्शन में सस्पेंड होगा अगर मैं इसको इस तरह से रिवोल्व करवाऊं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या होगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किसका सी वेक्टर कौन है ए क्रॉस बी ओके ऐसे नाउ अगर आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हो अब क्या होगा बी क्रॉस है तो इसको भी बी क्रॉस ए से बी से लेके ए तक ले आओ बी से लेके ए तक लेके आओगे तो खुलेगा ना स्क्रू राइट हैंडेड स्क्रू है खुलेगा तो ऑब्वियसली सी की डायरेक्शन अब ये पिन पॉइंटेड एंड नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है ओपन हो रहा है एक तरह से ओपन हो रहा है तो सी की डायरेक्शन अब ये है बट इसको मैं सी ना बोल के माइनस सी बोलूंगा अग, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होता है बट इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है
180 डिग्री. ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी अगर ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ रहेगा. हाँ, ऐसे ही राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ये रूल के बारे में अगर हम देखें तो आपको इफ वी रोटेट अ राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड, देखो राइट हैंडेड स्क्रू और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू क्या, जैसे कि ये है, ये एक लेफ्ट हैंडेड स्क्रू का एग्जांपल है. अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो वैसे तो स्क्रू क्या होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे, इस टाइप से करने पे अंदर जाना चाहिए था, बट ये बाहर आ गया. समझ में आ रही बात? ये है एक लेफ्ट हैंडेड स्क्रू जो ऐसे ऐसे करने से अंदर जाता है, बट राइट हैंडेड स्क्रू लेना है हमें जो आमतौर पे नॉर्मली यूज होते हैं स्क्रूज. सो इफ वी रोटेट ए राइट हैंडेड स्क्रू इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, then the direction of suspension of pin pointed and gives resultant, direction of resultant kya dega, direction of resultant that is A cross P, okay, is equal to C, vector C. दूसरी चीज आपको यह भी सीखना है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, जैसे कि A cross B का रिजल्ट कौन है, C. ये C vector बिल्कुल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. A vector है, B vector है, ये दोनों किसी ना किसी एक प्लेन में लाई करते होंगे, तो C वेक्टर उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा. ओके, ऐसा. अब दूसरा रूल भी है एक, इसको समझने के लिए बिल्कुल इसी मैनर में राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड रूल. इसे भी समझ सकते हो आप, दिस इज आवर राइट हैंड. थंब को ऐसे इरेक्ट रखो, बिल्कुल इरेक्ट सीधा, बट हमारे चारों फिंगर्स को कर्ल करना है हमें. अब कर्ल किस डायरेक्शन में करना है, घुमाना किस डायरेक्शन में है, ए से लेके बी तक डायरेक्शन में. ये देखो ए है, बी है. अगर मैं ए से लेके बी तक ऐसे घुमाऊं, कैसे घुमाऊं, छोटे एंगल के लूं, ये था ए, ये था बी, ए से लेके बी तक ऐसे घुमाऊं, थंब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी क्या आया था, सी. सिमिलरली ये था बी, ये था सी, बी से लेके सी तक घुमाओ डाउनवर्ड, सो बी क्रॉस ए रिप्रेजेंट माइनस सी. सो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमें इतना ज्यादा अगर मैं लिखवाने लग गया तो टाइम पास होना, ये जो लेंथी बन जाएगी वीडियो, है ना. सो स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली अब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं इसकी. किसी भी वेक्टर प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अभी हमने किया ए क्रॉस बी ये है, बी क्रॉस ए ये है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एंटी कम्यूटेटिव लो फॉलो करता है. सो यहां पे हम लिखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो एंटी कम्यूटेटिव, मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A तो होगा, बट एंटी मतलब एंटी पैरेलल का मतलब भी होता है ना 180 डिग्री पे बिल्कुल. सेकंड, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव सीखा, यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अब देखो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी.
इस टाइप से, ये दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज, जैसे कि हमने एडिशन के केस में एसोसिएटिव बोला था, ऐसे ही यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो एसोसिएटिव इन नेचर. एसोसिएटिव को मैथमेटिकली किस टाइप से लिखेंगे? अब एसोसिएटिव को मैथमेटिकली लिखने के लिए देखो, ए प्लस बी सी प्लस डी, इनका अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो रिजल्टेंट में आपको मिलना चाहिए, ये देखो ए को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस सी ए क्रॉस डी. सिमिलरली बी को दोनों से मल्टीप्लाई करो, बी क्रॉस सी एंड बी क्रॉस डी, और सभी को एड करवाओ. दिस इज द प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड. इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको निकालना ही आ जाए दो वेक्टर्स के बीच का, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को दो तरीके से निकाल सकते हो. दो तरीके से कैसे? कि एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम, जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही आपको करवाया था, एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम विल गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लाके देगा आपको कौन? एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम. या फिर अगर पैरेलल ग्राम का एरिया नहीं चाहिए तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल will also gives magnitude of resultant या फिर magnitude of cross product. ये तो था तरीका. आपको अगर दो vectors इस तरह से question में given है कि वो या तो parallelogram की side represent कर रहे हैं या फिर triangle की side represent कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप उसका रिजल्टेंट किस तरीके से निकालोगे? अब दोबारा से एक बार स्टार्टिंग में जाके देखो, पैरेलल ग्राम का जो मैंने निकाला था, देखो इस टाइप से निकाला था, एक वेक्टर था ए, स्टार्टिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बता देंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये थीटा एंगल. अगर मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं यहां पे, मान लो दिस इज द पैरेलल ग्राम, हाँ ये नॉर्मल जो बनाया मैंने पी क्यू आर इन ट्राइंगल, पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर बी साइन थीटा कौन रहा होगा? देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर रहा होगा, परपेंडिकुलर कौन है? आर क्यू, दिस इज बी साइन थीटा और ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा. तो अगर मैं एक ही जगह, मैग्नीट्यूड है ना ये सारा टोटल, अगर एक ही जगह पे मैं ये रखूं P से लेके पी क्यू आर एस, मान लो एक ही जगह पे रखो पी एस, बी साइन थीटा की जगह पे रखो आर क्यू, तो पी एस इज व्हाट? बेस. एंड आर क्यू इज व्हाट? परपेंडिकुलर. बेस इनटू हाइट इज व्हाट? एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम. समझ में आ रही बात? बेस इनटू हाइट इज गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आफ्टर दैट अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं इन्हीं दो वेक्टर से, मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका ऊपर लेके जाते हैं टेल टू हेड कनेक्ट करके इस टाइप से. ओके, ये देखो सेम ऑर्डर में ये बी है, ये ए है, दिस इज द रिजल्टेंट. नाउ तो अगर मेरे को इसी में थोड़ा सा चेंज करने को बोले, यहां पे अगर मैं इसी में थोड़ा चेंज कर दूं, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड कर दें, तो ये क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू टू, ये भी आपका क्या देगा? ये भी आपका ए क्रॉस बी देगा. सो एक तो तरीका है इस टाइप से ए क्रॉस बी निकालें. दूसरा तरीका जो है ए क्रॉस बी निकालने का कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, वो तरीका भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट
क्या होता है निकालना वो सीखना पड़ेगा। कैसे? ये देखो आप आई कैप जे कैप के कैप इनको ड्रॉ कर लें। ये ड्रॉ करने के बाद अगर मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए इज टू आई कैप थ्री जे कैप फाइव के कैप, वेक्टर बी इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप, देन आई कैप के नीचे आई कैप के कोफिशियंट कॉम्पोनेंट ये ड्रॉ करवाएं। ऐसे ही आई कैप के नीचे ये वन है, ये माइनस वन है, यहाँ पे फाइव है। इस टाइप से अगर आप ड्रॉ करोगे, इसके बाद आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप लिखो, आई कैप के सामने जे कैप लिखो, जे कैप के सामने ऐसे छोड़ दो, के कैप लिखो, के कैप के सामने ऐसे छोड़ दो, जे वाले के सामने ऑटोमेटिक पहले से ही एक माइनस का साइन लगा के रखो। हाँ तो देखो आई कैप जब आप निकालोगे, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रहा होगा। तो अगर आप आई निकालना चाहते हो, आई क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर आप आई निकालना चाहते हो तो जे और के पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जे इज वाई एक्सिस है ना, इस टाइप से के इज जेड एक्सिस, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है आई कैप। तो अगर आपको आई कैप निकालना है तो जे और के का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब जे क्रॉस के करना पड़ेगा। सो आई कैप जब निकालोगे तो आई कैप को भूल जाओ, जे और के को याद करो। है मल्टीप्लाई कैसे करना है मैट्रिक्स के, जब डिटरमिनेंट निकालते कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे 3 × 5 कितना 15, नीचे से ऊपर 5 × 1 कितना 5, पर जब नीचे से ऊपर जाओगे तो एक नेगेटिव साइन साथ में बांध के ले जाओ, हाँ एक प्लस का रहेगा। सिमिलरली जब जे निकालना है, अब आपको जे निकालना है मतलब ये निकाल के लाना है, एक्स और जेड इस प्लेन के जो वेक्टर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नॉर्मल प्लेन मिलेगा, और ये नॉर्मल प्लेन अगर आपको निकालना है तो इन दोनों प्लेन पे डिपेंड करो। मतलब जे कैप जब निकालना है तो आई और के है ना, 2 5 10 नीचे से ऊपर एक नेगेटिव साइन साथ में 1 5 -5। सिमिलरली के जब आपको के निकालना है तो 2 - 1 ऐसे नीचे से ऊपर एक माइनस साइन। After that, बस इसको कैलकुलेट करके 20 आई कैप 10 - 5 5 जे कैप बट एक और माइनस, हाँ वो 5 जे कैप माइनस 5 के कैप इज द वेक्टर डायरेक्टिंग अलोंग ए क्रॉस बी, दिस इज अनदर वेक्टर, रिमाइंड दैट दिस इज अनदर वेक्टर सी। अगर आपको इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, अब आप अगर आपको इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो 20² 400 मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एंड डायरेक्शन ऑफ सी इज बाय राइट हैंड थंब रूल, ए और बी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रहा होगा कौन, सी। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में एक और जो वेक्टर प्रोडक्ट की स्पेशल केसेस हैं उनके अंदर, जैसे कि ऑर्थोगोनल का हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, ऐसे ही इन आई जे के का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट आपको सिखाऊं, ये अगर पैरेलल हो, स्पेशल केसेस, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो मतलब आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेगा, आई क्रॉस आई दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का थीटा 0 degree दोनों के बीच का, एंड साइन 0 इज व्हाट 0, सो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इनको आप 0 लिखोगे। अब आई बारी आई क्रॉस जे, देखो दिख रहा है ना, आई आई और जे का अगर आप मिक्सचर कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्या मिलेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि क्या होता है के, आई क्रॉस जे करोगे के आएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के कर रहे हो तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, देखो जे जे और के इन दोनों का क्रॉस, जे सॉरी ये है जे और ये के इन दोनों का क्रॉस क्या मिलेगा, ऐसे घुमाओ ऐसे जे से के तक क्या मिलेगा, समझ में आ रही बात, ऐसे ही हाँ आई जे के क्रॉस आई, इस टाइप से के क्रॉस आई अब करोगे, ये रहा के ये रहा आई, के क्रॉस आई जब आप कर रहे हो ये रहा के ये आई,
हाँ इस टाइप से ये के था, ये आई, थंब रिप्रेजेंट ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑफ के, सॉरी जे, ऐसे। अब इसी का उल्टा करते हैं, जैसे कि एंटी कम्यूटेटिव था ना, आई क्रॉस जे, अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा, के तो मिलेगा बट एंटी कम्यूटेटिव फॉलो करता है, दैट्स व्हाई माइनस। सिमिलरली के क्रॉस जे क्या मिलेगा, माइनस आई कैप, सिमिलरली आई, हाँ आई क्रॉस के क्या मिलेगा, माइनस जे। अब थोड़ा सा रूल्स के अकॉर्डिंगली भी देख लेते हैं इसको। जे क्रॉस आई का मतलब क्या है, जे इज वाई एक्सिस, आई इज जे क्रॉस आई, जे से लेके आई तक आना है, तो थंब रिप्रेजेंट इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इस टाइप से। अगर ये पॉजिटिव लोगे तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये था एंटी कम्यूटेटिव स्पेशल केस या फिर एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए। नेक्स्ट, अगर आपको इन सब चीजों को समझना है तो अब आप एक चेन सिस्टम फॉलो करें। ये है आई, ये है जे कैप, ये है के कैप। आई क्रॉस जे इज व्हाट, के, ठीक है। जे क्रॉस के इज व्हाट, आई। के क्रॉस आई इज व्हाट, ये तो क्लॉकवाइज जब चलेगा तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलोगे, बट अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जे क्रॉस आई इज व्हाट, माइनस के, उल्टा, अगर आप यही फॉर्म, यही चेन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आप क्या फॉलो करोगे, एंटी कम्यूटेटिव लो। सो स्टूडेंट्स, हमने क्रॉस प्रोडक्ट, कंप्लीट प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्पेशल केसेस पढ़े, क्रॉस प्रोडक्ट ये भी सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललग्राम की दो साइड से भी निकल सकता है, ट्राइंगल की दो साइड से निकल सकता है, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर बेसिकली आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे तब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोले तो कैसे करेंगे, मैट्रिक्स जो भी होगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको, जो हमने किया अभी अभी। आप भी इन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी के या और कोई रेफरेंस बुक है उनके ट्राई करके देखें, फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है समझने में तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उस डाउट को डालें, हम 100% उस पे जरूर रिएक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।